Okay. Today our next topic is conditional sentences. So here is a word that is condition. अगर मैं पूछूँ ये कौन सा parts of speech है, कौन सा parts of speech? Parts of speech means noun, pronoun, verb, adverb, adjective. What is this? Which parts of speech is this? Yes, noun. ठीक, देखो, noun होता है. कैसे पता चला? यहाँ पर एक suffix लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है? Suffix. Suffix means होता है जो हम किसी भी root word के आगे जोड़ देते हैं. और ये किसको show करता है? नाउन को TION, SION, ANC, NEWS सारे के सारे सफिक्स होते हैं. ठीक. कंडीशन मीन्स क्या होता है? अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होता है? शर्त होती है. क्या होता है? शर्त होती है. कंडीशन मीन्स होता है शर्त. और कंडीशनल सेंटेंस, जो कंडीशनल वर्ड है ये है एडजेक्टिव और सेंटेंसेस क्या है? यहाँ पर नाउन है. इस नाउन की वजह से ये क्या हो गया? एडजेक्टिव. ये तो मैंने बता दिया उसका पार्सिंग की कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ठीक. कंडीशनल सेंटेंस हमें पढ़ने हैं किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है शर्त. जरा रियल लाइफ में हमने कहा कि हमको कैसे नहीं पढ़ना है? रूल्स से नहीं पढ़ना है. जो कुछ भी होता है हमारी रियल लाइफ का एक पार्ट होता है. ऐसे ही कंडीशनल सेंटेंस जो हम लोग एग्जाम में पढ़ रहे हैं, अपने ग्रामर में पढ़ रहे हैं, वो हमारे रियल लाइफ का ही तो एक हिस्सा है. ठीक. देखिएगा जरा, आप ये शर्त अगर किसी पर्सन से लगाते हो तो किस लिए लगाते हो? पैसे के लिए. जैसे इन्होंने बोला पैसा पाने के लिए. जरूरी नहीं है कि शर्त हमेशा पैसे के लिए ही लगाई जाए. अगर आप किसी से शर्त लगाते हो तो किसी ना किसी टाइप का रिजल्ट पाने के लिए लगाते हो. किसके लिए लगाते हो? आपने अगर किसी से शर्त लगाई तो सिर्फ इस वजह से लगाते हो ताकि आप कोई एक, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए, वो तो बात की बात है. जैसे मैंने इनसे बोला कि अगर आप 2 घंटे पढ़ाई करोगे डेली, मैंने क्या बोला? अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ाई करोगे तो सफल हो जाओगे. तो मैंने इनके सामने एक शर्त क्या रखी? 2 घंटे पढ़ना. और उसका रिजल्ट क्या आएगा? या तो सफल होंगे या तो सफल नहीं. वो बाद की बात है रिजल्ट कैसा आता है. इसका मतलब जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कौन से सेंटेंसेस? वो हमेशा टू क्लॉजेस. वी नेवर यूज कंडीशनल सेंटेंसेज इन वन क्लॉज. हम कभी भी कंडीशनल सेंटेंस को वन क्लॉज में या एक ही क्लॉज में नहीं शो कर सकते. जरा इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं. अगर मैंने आपसे बोला कि अगर तुम मुझे फीस दोगे, उसके बाद मैं शांत हो जाऊँ, मैं आपसे कुछ ना बोलूँ. मैंने एक ही क्लॉज बोला, अगर आप मुझको फीस देते हैं या अगर आप मुझको फीस देंगे मैं शांत हो जाऊँ, इसका क्या रिजल्ट निकला? वर्कडन 0 है. मतलब अभी कोई बात ही नहीं. ये क्या मतलब हुआ? वो बेचारा परेशान हो जाएगा तो आंसर मांगेगा. आंसर का मतलब, इसका मतलब जितने भी कंडीशनल क्लॉज होते हैं वो हमेशा कितने क्लॉज में होते हैं? 2 क्लॉज में होंगे. ठीक. अब 2 क्लॉज में होंगे तो ये 2 क्लॉज कौन कौन से होंगे? जिसमें से एक क्लॉज होगा जिसे हम लोग जानते हैं कंडीशनल क्लॉज के नाम से. कौन सा क्लॉज? और एक जो क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज होता है. कौन सा क्लॉज होता है? मेन क्लॉज का मतलब यही आपका रिजल्ट होता है. क्या होता है? रिजल्ट होता है. कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं वो 2 क्लॉजेज में होते हैं. एक ऐसा क्लॉज होगा जिसमें आप सामने वाले पर्सन को एक कंडीशन दोगे, एक शर्त दोगे, और दूसरे वाले में उस चीज़ का रिजल्ट निकलेगा. क्या निकलेगा? Result. अब जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं आप सेंटेंसेस में कैसे पहचानेंगे कि वो क्लॉज कंडीशनल क्लॉज है? ठीक. तो उसके लिए कुछ हेल्पिंग वर्ड होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं ये बताने में कि वो जो सेंटेंस है वो कंडीशन शो कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पहला वर्ड क्या लिखा? इफ़ लिखा. क्या लिखा? इफ़ लिखा. मैंने एक लिखा व्हेन. क्या लिखा? व्हेन. मैंने एक वर्ड लिखा एज सून एज. क्या लिखा? एज सून एज. फिर मैंने एक लिखा एज इफ.
ये एज ए बी कंडीशनल क्लॉज का ही पार्ट होता है, लेकिन इसको सबसे लास्ट में इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक इफ के बगल में कभी कभी लिखा मिलता है हमको इन केस, कभी कभी इफ के साथ हमको क्या लिखा मिलता है सपोज। तो सपोज कहते नहीं है, सपोज इन केस अगर तुम्हारी बाइक पंचर हो जाए, उसके आगे आप कुछ ना बोलो। फिलर मीन्स, हाँ फिलर जो होते हैं नहीं, सपोज तो आपको कंडीशन बता रहा है। मैंने कहा सपोज आपकी बाइक पंचर हो जाए, इसके बाद मैं आपसे कुछ ना बोलूँ, तो आप उसका कोई ना कोई रिजल्ट मांगोगे ना, तो सर क्या होगा? ठीक, सपोज हो गया, इफ हो गया, इन केस हो गया, व्हेन हो गया, एज सून एज हो गया, एक और वर्ड होता है लिख लेना, अनटिल या अनलेस। अनटिल या अनलेस ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं ये बताने में कि ये जो सेंटेंस है वो कंडीशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? इन हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो इफ का मीन्स क्या होता है? यदि या अगर। व्हेन का मतलब जब, एज सून का मतलब जैसे ही, एज इफ का मतलब होता है जब हम बोलते हैं मानो कि, जैसे कि, ठीक इस सेंस में आता है। ये सबसे लास्ट पॉइंट होता है इसका। अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस का मतलब जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम सफलता नहीं पा सकोगे। तो ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सब शो क्या करते हैं? कंडीशन शो करते हैं। अगर ये कंडीशन शो करेंगे तो ये क्लॉज कौन सा बनेगा? कंडीशनल क्लॉज बनेगा। इसमें चार टाइप होते हैं जी। आप यूज ही नहीं कर सकते। अगर किसी भी चीज को आपको प्रैक्टिकली समझना है कि यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सीधा सा उसका एक कॉन्सेप्ट, उसका एक सेंटेंस बना के देखिए। आप उसके पहले एक रीजन या एक क्लॉज आपको देना पड़ेगा। आप कोई एक ऐसा सेंटेंस बोलिए, अनलेस, अन्यथा, अनटिल, जब तक, आपको एक क्लॉज और देना पड़ेगा। आप सिंगल क्लॉज बोल ही नहीं सकते। कोई एक रियल लाइफ में सेंटेंस बोलिए, दोनों जब तक ही मीन देते हैं। हाँ, अनलेस, अनटिल, अन्यथा, जब तक, ठीक। कोई भी एक सेंटेंस सोचिए रियल लाइफ में, कोई भी एक सेंटेंस सोच लो जो इसमें ये आता हो और सिंगल क्लॉज में आप बोलते हो। जब तक तुम खेलोगे नहीं और उसके बाद शांत हो जाओ, खेलोगे नहीं, खिलाड़ी नहीं बनोगे, एक अलग सेंटेंस हो गया कि नहीं? दो क्लॉज हो तो गए। जब तक तुम बाइक चलाना नहीं सीख लोगे, शांत हो जाओ। तो कितने क्लॉज हो गए? दो क्लॉज हो तो गए हैं। यू कंप्लीट वाला अलग हो गया, आई विल नॉट होमवर्क एक अलग हो गया, दो, हाँ, एक रिजल्ट हो गया और एक कंडीशन होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके सेंटेंस में क्या दिया है? अनलेस या अनटिल क्या दिया है? तो एक बात बताइए, अन मीन्स क्या होता है? मैंने जब वोकैब पढ़ाई थी तो प्रफिक्स और प्रफिक्स और सफिक्स बताया था। अन मीन्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। कैसा वर्ड होता है? अन मीन्स क्या होता है? इसका मतलब अगर कोई भी सेंटेंस अनलेस या अनटिल से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, तो उस सेंटेंस में क्या नहीं आ सकता? अगेन, आप नॉट का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होता है, जो चीज़ ऑलरेडी नेगेटिव है उसमें हम नॉट का यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो अब बात करते हैं इसके टाइप वन की। ये चार टाइप्स के होते हैं, देर आर फोर टाइप्स। टाइप वन, अब इसको समझने के लिए मैं इसमें एक कहानी थोड़ी सी बताऊंगा, उस कहानी को लिंक करेंगे और चारों के चारों टाइप उसी कहानी से ऐड होते जाएंगे। समझने के लिए, जो टाइप वन होता है मैं उसका पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूं। उसका स्ट्रक्चर ये होता है, इफ सिंपल प्रेजेंट कॉमा, जो दूसरा क्लॉज होता है वो किसमें होता है?
सिंपल फ्यूचर में होता है। इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिखूं तो इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट। इसको अगर मैं डिटेल में लिखूं थोड़ा सा तो सिंपल फ्यूचर का मीन्स ये जो हो गया ये टाइप वन का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? लेकिन मैंने क्या कहा, हमको तो रूल रटना ही नहीं है, ये स्ट्रक्चर कहाँ से बना, क्यों ऐसा बना, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज जरा एक जनरल सेंस में बताइएगा, अगर आप किसी पर्सन से कोई शर्त लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कोई भी शर्त लगाते हैं, जिस भी टाइम आपने उस पर्सन से शर्त लगाई वो रियल लाइफ में समय होगा तो कौन सा होगा? जैसे मैंने अभी आपसे एक शर्त लगाई कि जब तक आप मुझे अपना मोबाइल नहीं दोगे तब तक मैं आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं कराऊंगा। तो जिस भी समय, जिस भी पल हमने ये सेंटेंस बोला जब तक आप अपना मोबाइल नहीं दोगे, वो टाइम कौन सा है? मैं आपको रिचार्ज नहीं कराऊंगा आपका। वो जो एक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? इसका मतलब जब भी हम शर्त लगाते हैं तो वो सेंटेंस किस में होना चाहिए? प्रेजेंट में। तो शर्त वाला क्लॉज कौन सा है? ये कि ये जो शर्त लगाई जाती है वो कब लगाई जाती है? क्या कभी फ्यूचर में शर्त लगाई जाती है? फ्यूचर के लिए लगाई जाती है। और जो शर्त लगाई जाती है वो कब लगाई जाती है? चलिए इसको एक एग्जांपल देखते हैं, बेसिक से बिल्कुल। मैंने लिखा तुम मेरे पास आओगे, ये एक छोटा सा सेंटेंस है, जनरल सा। इसकी अगर मैं इंग्लिश बनाऊं तो क्या बनेगा? You will come to me, अभी कुछ नहीं है, ठीक। मैंने एक नेक्स्ट सेंटेंस लिखा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैंने क्या लिखा, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? I will teach you, वेरी गुड, जर्नल सा एग्जाम्पल है। अभी इन दोनों सेंटेंसेस का आपस में किसी से कोई लेना देना नहीं, ये एक अलग सेंटेंस है और ये एक, ठीक। अगर मैं इन दोनों को जोड़ने का प्रयास करूं, मैंने इसमें क्या लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, और बाद में नीचे क्या लगा दिया। अब जरा इसकी हिंदी पढ़िए पूरी, क्या लिखी हुई है, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। अगर की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ये पूरा एक जनरल सेंटेंस है, मैंने नीचे लिख दिया है इफ़ यू विल कम टू मी, फिर तो की मीनिंग कॉमा, आई विल टीच यू। अब इन दोनों में से कंडीशनल क्लॉज कौन सा है, शर्त किस में लगी है? क्या इसमें शर्त लगी है? ये तो रिजल्ट है, क्या है? रिजल्ट है। और जो शर्त लगाई गई होगी ये वाली, वो कब लगाई गई होगी, किसके लिए? इसका मतलब ये शर्त जब भी लगाई गई है ये किस में होनी चाहिए, किस में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला क्लॉज यहां से हटेगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इफ, इफ सिंपल प्रेजेंट, यू कम टू मी, और सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, और अगला वाला क्लॉज किस में होता है, फ्यूचर में होता है। इट मींस यहां से एक रिजल्ट ये निकल कर आया, लिखिएगा, वी नेवर यूज विल, we never use will or shall, we never use will or shall in a conditional clause. It means अगर इसको मैं short में लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जितने भी conditional clause होते हैं, कौन से clause होते हैं, conditional, जिसमें condition show की गई होती है, in which वी विल नेवर यूज विल और रटना नहीं है। अगर कोई पूछ ले क्यों नहीं लगाते, हिंदी में तो मीनिंग निकलती है अगर तुम मेरे पास आओगे दैट इज फ्यूचर, नो, ये शर्त को शो करता है। और जिस समय ये सेंटेंस बोला गया होगा वो सेंटेंस कौन सा होगा, और रिजल्ट उसका क्या होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक। यहाँ पर ये नियम ही अभी चल रहा है, अगर मैं विल की जगह कोई दूसरा यहाँ पर मोडास लगा दूँ, मे लगा दूँ या कैन लगा दूँ, क्या ये गलत होगा या सही होगा? वैसे सही होता है, लेकिन हम लोगों ने टाइप वन में पढ़ क्या रखा है कि इधर वाला क्लॉज किस में होगा, हमेशा
फ्यूचर में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने इसके पहले के लेक्चर में बता दिया है जो मोडल्स होता है वो फीलिंग को शो करता है. किसको शो करता है? फीलिंग को शो करता है. उसका उसकी हिंदी मीनिंग से लेना देना नहीं होता. जरा समझने की कोशिश करना. मैंने लिखा एज सून एज यू विल गो आउटसाइड कॉमा मीनिंग क्या हुई? एज सून एज यू विल गो आउटसाइड, जैसे ही तुम बाहर जाओगे वैसे ही बारिश होना शुरू हो जाएगी, या वैसे ही बारिश होना चालू हो जाएगी. पहले इधर देखते हैं, इन दोनों क्लॉज में से कंडीशन किस में है? ये कंडीशन शो कर रहा है, और इसका रिजल्ट क्या है? जो भी कंडीशनल क्लॉज होता है वो किस में नहीं हो सकता. इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे? सिर्फ वर्ब की. अब यहाँ पर आपको बताना है इट विल स्टार्ट रेन या इट मे, सॉरी इट मे स्टार्ट. विल क्यों गलत हो जाएगा? विल क्या शो करता है? श्योरिटी. और जरा आप रियल लाइफ में इसको बोलो, भाई जैसे ही आप बाहर जाओगे देखना वैसे बारिश शुरू हो जाएगी, वो कितना भी कह ले वो श्योरिटी में नहीं आएगा. वो किस में आएगा? मे में आएगा. बिकॉज आप रेन को श्योरिटी में नहीं शो कर सकते. वैसे ये विल गलत नहीं है, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे? क्योंकि मे पॉसिबिलिटी बताता है, वो पर्सन ये कहना चाहता है कि जैसे आप बाहर जाओगे देखना बारिश होने लगेगी. तो बारिश होने लगेगी कि मतलब जरूरी थोड़ी ना कोई हो ही जाए, वो पॉसिबिलिटी को शो करेगा. नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने बोला माई ब्रदर विल गिव यू अ गिफ्ट. इट मीन्स मेरा भाई आपको गिफ्ट देगा. वेन यू विल मीट हिम. तो हमने भी क्या पढ़ रखा है कि जो पहला क्लॉज होता है वो किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट में होता है. और जो बाद वाला क्लॉज होता है वो किस में होता है? सिंपल फ्यूचर में. तो एरर इसमें सेंटेंस में क्या है? जो पहला वाला क्लॉज है वहां से हम लोग विल को हटा देंगे और दूसरे वाले विल में लगा रहने देंगे. Am I right? अगर आप रूल देखोगे तो ये सेंटेंस सही है. मैंने क्या बोला है? हम लोग कंडीशन को कभी भी फ्यूचर में नहीं रखते. अब जरा एक चीज देखो, इन दोनों सेंटेंस में कंडीशन कहाँ है? और ये कॉमा नहीं है. कंडीशन कहाँ है? कंडीशन बाद में है, रिजल्ट मैंने पहले दे दिया. तो कौन सा क्लॉज फ्यूचर में नहीं रहेगा? जो कंडीशन को शो नहीं करता, सॉरी जो कंडीशन को शो करता है. कंडीशन को शो कौन कर रहा है? तो वेन के बाद वाला क्लॉज किस में नहीं रहेगा? फ्यूचर में नहीं रहेगा. इसकी जगह क्या हो जाएगा? कई बार क्या होता है, हम लोगों ने देखा कंडीशनल सेंटेंस है, पहले वाला क्लॉज विल में नहीं होता, इसको काट के गिव कर दिया, आंसर समझ लेते हैं. लेकिन दैट इज द एरर. आपको रटना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि रिजल्ट किस में है और कंडीशन किस में है. मैंने एक एग्जांपल और दिया. If you feel headache means sardard, you should take medicine. Sentence क्या लिखा है? ये exam में आ चुका है. If you feel headache, you will take medicine या you should take medicine? आप यहां पर विल का यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? कंडीशन क्या है? अगर आपको सरदर्द होता है या आप महसूस करते हैं, क्या चीज? एरर यहां पर कब होती? अगर मैंने क्या लिखा होता? इफ यू विल फील, तो विल तो आएगा ही नहीं. किसकी वजह से? कंडीशनल क्लॉज की वजह से. यहां पर क्या रहेगा?
फील यहाँ पर सही है क्योंकि वो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, मैंने क्या बताया, इफ यू फील हेडेक यू विल टेक मेडिसिन या यू शुड टेक मेडिसिन। तो जरा इसको रियल लाइफ में देख सकते हैं, ये हमारे भाई हैं छोटे से, इनको हेडेक फील हो रहा था, तो मैंने बोला अगर आपका सर दर्द हो रहा है कि बेटा आपको दवा लेनी चाहिए, कि मैं कहूँगा तुम दवा लोगे नहीं। यहाँ पर जो सेंस आ रहा है वो विल का नहीं आएगा, किसका आ रहा है, एडवाइस का आ रहा है। आप उस पर्सन को क्या दे रहे हो, सलाह। अब यहाँ पर ये गलत हो जाएगा विल, तो आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो गलत हो गया। मैंने क्या बताया, जो मोडल्स होता है वो ऑलवेज किसकी बात करता है, आपको सेंटेंस में पता लगाना होगा फीलिंग है कि एक्शन है। एक सेंटेंस और देखिए, मैंने लिखा इफ यू पुट एनीथिंग इनटू वाटर कॉमा इट विल एक सेंटेंस ये लिखा, एक सेंटेंस और लिखा मैंने द आइस विल मेल्ट इनटू वाटर इफ यू हीट इट। देर आर टू सेंटेंसेस। तो मैंने टाइप वन में क्या पढ़ा है हम लोगों ने, इफ वाला क्लॉज होता है जो कंडीशन शो करता है, पहला वाला होता है सिंपल प्रेजेंट में, बाद वाला किस में होता है, सिंपल फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है, वो क्या, फीलिंग, सामने वाला पर्सन आखिर कहना क्या चाहता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है इफ यू पुट एनीथिंग इनटू वाटर, अगर आप पानी में किसी भी चीज को रखोगे या रखते हो वो अपना वेट खो देगी। तो पहला क्लॉज जो कंडीशन वाला है वो किस में होना चाहिए, क्या ये प्रेजेंट में है, बिल्कुल है। कैसे पता चला, वर्ब की, क्या अगर मैं यहाँ विल लगा दूं तो गलत हो जाएगा क्योंकि कंडीशन हमेशा प्रेजेंट की होती है। तो वो अपना वेट खो दी, बाद वाला किस में होना चाहिए, क्या ये सिंपल फ्यूचर में है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, अकॉर्डिंग टू दिस फ्यूचर, सॉरी अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ये सेंटेंस। लेकिन हमने क्या कहा, जरा रियल लाइफ में आ जाओ, ये शो क्या कर रहा है, ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस किसको शो कर रहा है, फैक्ट मीन्स जिसको बदला नहीं जा सकता, जो पहले भी होता था, आज भी होता है, कल भी, इसके वो हमें यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम से जानते हैं। और जब हम लोगों ने टेंस पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें एक पॉइंट यूनिवर्सल ट्रूथ का पढ़ा था, हैबिचुअल एक्शन में पढ़ा था और लाइक में पढ़ा था, कि जितने भी हैबिचुअल एक्शन होते हैं, फैक्ट होते हैं, उसको हम कभी भी फ्यूचर में यूज नहीं करते, किस में यूज करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, इट लूजेस हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। इसका मतलब ये वाली चीज यहाँ पर आने के बाद फिर से, तो आप एक रूल रट के काम नहीं चला सकते हो, हर सेंटेंस की अपनी एक मीनिंग होती है, आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग चलना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है जो उस सेंटेंस में दिया है, ना कि इसमें जो दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस, द आइस विल मेल्ट इन टू वाटर, जो आइस है वो पानी में बदल जाएगी, If you heat it, अगर आप उसको हीट करते हैं, कंडीशन इसमें है कि इसमें है, जो कंडीशन होती है वो किस में नहीं होनी चाहिए, क्या ये फ्यूचर में है, इसका मतलब ये वाला क्लॉज। इसका रिजल्ट क्या है, बर्फ पिघल जाएगी या पिघल जाती है, ये फैक्ट को शो कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द आइस मेल्ट्स, क्या हो जाएगा, द आइस मेल्ट्स। तो ये हमारे पास कुछ टाइप वन के सेंटेंसेस थे जो ये शो करते हैं कि एक कंडीशन होगी, उसका एक रिजल्ट होगा। ठीक, लिख लीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स के आप क्वेश्चन करेंगे, आपकी जो प्रैक्टिस जो होगी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स की होगी, तभी आप उस चीज़ों को समझ सकते हैं। सिर्फ एक रूल याद कर लिया कि पहला क्लॉज प्रेजेंट में, दूसरा वाला फ्यूचर में होता है, टाइप टू पढ़ लिया, टाइप थ्री पढ़ लिया, घर चले गए, जाके सो गए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप उसके माध्यम से अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते। मैंने एक सेंटेंस और लिखा,
यहां पर सेंडर लिखा है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस. इट मींस जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी या तुम सफल नहीं हो सकते. दोनों सेंटेंस सही, दोनों गलत? दोनों ही सही है. पहले वाले में श्योरिटी बता रहा है कि तुम पास नहीं हो पाओगे, और सेकंड वाले में क्या बता रहा है? एबिलिटी बता रहा है, तुम हो ही नहीं सकते, हम जानते हैं तुम नहीं हो सकते. तो दोनों सेंटेंस क्या है? एरर कहां पर है? इस अनलेस की वजह से. अन कैसा वर्ड होता है? नेगेटिव होता है. तो यहां पर फिर नॉट, अगर नॉट नहीं आएगा तो फिर डू भी ये पूरा का पूरा हट जाएगा. सेंटेंस क्या बनेगा? अनलेस या अंटिल यू वर्क हार्ड, डू नॉट या डज नॉट यहां पर यूज नहीं होगा. ये आपका टाइप वन फिनिश हो गया है. ठीक, यहाँ यूज कर सकते हैं. हाँ सर, ये कैन की जो मतलब एबिलिटी आपने बताई तो वो तो जब होगी ना जब वो हार्ड वर्क नहीं करेगा. नहीं करेगा तो मुझे पता है, मैंने अगर आपसे बोला जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास हो ही नहीं सकते, हम जानते हैं तुम्हारी कितनी योग्यता है. एबिलिटी है लेकिन वो, हाँ एबिलिटी है लेकिन इसी वजह से दोनों सही है, तुम पास नहीं होगे, लगा लो शर्त. नहीं होगे, मैंने श्योरिटी बता दी और तुम पास नहीं हो सकते, हमने तुम्हें औकात बता दी. ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड कैन. नाउ टाइप टू. तो इसे एक टाइप वन का मैंने बोला था कि स्टोरी से लिंक करेंगे, तो एक स्टोरी का लिंक ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये दो पर्सन हैं, ये दो पर्सन हैं, मैं यहां बना देता हूं. जैसे कि इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है अपना, क्या चल रहा है? वर्ल्ड कप चल रहा है. दो पर्सन बैठे हुए क्लास में, इनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था. तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, इन लोगों ने क्या किया, चलो बातें करते हैं, ऐसे बातें करने लगे. तो इन्होंने इनसे कहा, और तुम्हें पता चला कल भारत जीत गई? तो इन्होंने कहा हाँ भाई, धोनी ने सेंचुरी मारी थी, अपना बातचीत कर रहे थे. ठीक, तो उन्होंने कहा अच्छा अब नेक्स्ट मैच कब है? तो उन्होंने कहा नेक्स्ट मैच जब भी होगा. तो उन्होंने कहा चलो हम लोग शर्त लगाते हैं. क्या लगाते हैं? शर्त. तो उन्होंने कहा, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कहा, अगर अगले मैच में धोनी छक्का मारेगा या अगले मैच में अगर धोनी 6 छक्का मारेगा तो मैं तुमको 1000 रुपीज दूंगा. तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ MS धोनी विल हिट 6 sixes कॉमा आई विल गिव यू 1000 रुपीज. ये एक सेंटेंस दिया हुआ है. एरर क्या है इसमें? कंडीशन यहां पर है, अगर ये कंडीशन है तो यहां पर क्या नहीं हो सकता? धोनी के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? 6 sixes आई विल गिव यू. एनी प्रॉब्लम? अब बात करते हैं टाइप टू की. तो मान लेते हैं इन दोनों ने शर्त लगाई और ये वाला जो पर्सन है ये शर्त हार गया. क्या हो गया? जब पर्सन शर्त हार जाता है, पर्सन इन दोनों ने क्या लगाई थी शर्त? अगर धोनी 6 छक्के मारेगा तो मैं तुमको 1000 रुपीज. ये वाला पर्सन शर्त, जब ये पर्सन शर्त हार गया तो अब वो पहुंच जाता है टाइप टू में. किस में पहुंच जाता है? टाइप टू में. टाइप टू का मीन हो गया कि जरा आप रियल लाइफ में सोचिए, अगर आप फेल हो गए, क्या हो गए? फेल हो गए. अब आप बैठे हैं तो क्या करते हैं, किस चीज के बारे में सोचते हैं? अगर मेरे पास नोट्स बने होते या अगर मैंने पढ़ा होता, तो आप क्या करते हो इस समय? इमेजिनेशन ही तो करते हो. ऐसे ही जब वो शर्त हार गया तो इमेजिनेशन में चला गया, कल्पना में चला गया कि यार अगर धोनी 6 छक्के मार देता तो मैं 1000 रुपये जीत जाता. ऐसे ही इमेजिनेशन करते करते दो टाइप बन जाता है. पहला है टाइप टू, फिर अब बोलेंगे टाइप थर्ड को. जो टाइप टू होता है वो किसको शो करता है? इमेजिनेशन को शो करता है. इमेजिनेशन मीन्स होता है कल्पना. क्या होता है? कल्पना. इमेजिनेशन का मतलब कल्पना. ये दो टाइप से भी चलेंगी. जैसे मैंने बोला अच्छा
जो इमेजिनेशन होता है वो कब के लिए होता है, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर। इट मीन्स इमेजिनेशन वाला ये जो क्लॉज होगा वो किसमें होगा, पास्ट में ही होगा। किसमें होगा, जब एक पर्सन इमेजिनेशन करता है तो दो टाइप से सबसे पहले करता है। जब से सबसे पहले का मतलब वो अपने आप की इमेजिनेशन करता है, अपने आप की मीन्स सेल्फ की। जैसे अगर मैं धोनी की जगह होता तो 6 छक्के मार देता, उसने इमेजिनेशन किसकी की, और उसने फिर इंसान सेकंड इमेजिनेशन करता है फॉर हैविंग समथिंग, उस पर्सन के पास कुछ। जैसे मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं दिल्ली घूमने, तो इमेजिनेशन दो टाइप की होती है, एक सेल्फ की हो गई और दूसरी हैविंग समथिंग का मीन्स किसी पर्सन के पास कुछ होना। जरा इधर देखिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जो टाइप टू का स्ट्रक्चर होता है, इफ के बाद क्या आया, सब्जेक्ट। दो टाइप से, अगर इमेजिनेशन सेल्फ की है, किसकी है, तो याद रखिएगा उसमें हमेशा क्या आता है, वर। अगर इमेजिनेशन फॉर हैविंग समथिंग की है, किसी के पास कुछ होने की, तो यहाँ पर आता है क्या, हैड। क्या आता है, हैड। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक कार है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी, आई हैव अ, मेरे पास एक कार थी। अब मैंने यहाँ पर देखिए कंडीशन लगा दिया, अब जरा इसकी मीनिंग क्या हो गई, अगर मेरे पास कार, तो ये क्या बन गया, इमेजिनेशन बन गया, पास्ट की इमेजिनेशन। इसका मतलब ये पहला क्लॉज। उसके बाद में क्या लिखा होगा, कोई नाउन लिखा होगा या तो प्रनाउन लिखा होगा। ये भी टाइप वन का, सॉरी टाइप टू का स्ट्रक्चर का पहला पार्ट हुआ है, अभी दूसरा पार्ट यहाँ पर बाकी है। इसके बाद वाला क्लॉज किस में होगा, जरा वो समझिएगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट। अब ये बताइए, जो हम लोगों ने टाइप वन पढ़ा था उसका पहला क्लॉज किस में था, और इसका पहला क्लॉज किस में है, पास्ट में है। जब उसका पहला क्लॉज प्रेजेंट में था टाइप वन का, तो बाद में हम लोगों ने क्या यूज किया था वहां पर, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने जब मोडाल से पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था, अगर पहला क्लॉज प्रेजेंट में है तो आगे चाहे आप विल लगाओ चाहे, लेकिन अगर पहला क्लॉज पास्ट में है, ये दोनों किसको शो कर रहे हैं, तो आप विल की जगह किसका यूज करोगे, इसका मतलब जो सेकेंड स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, वुड के साथ। ये सेकेंड स्ट्रक्चर बन के आपका तैयार हो गया। कि दो टाइप से कल्पना होती है, एक स्वयं की होती है और एक किसी पर्सन के पास कुछ होने की। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, A lot of money. There are two sentences. तो पहला sentence क्या है? If I have money, if I had money. Had money क्यों? क्योंकि imagination किस में होती है? अगर past में होती है तो present का helping verb. If I had money means अगर मेरे पास पैसा, I would go to Delhi. तो मैं दिल्ली जाता। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? इफ आई वॉज, वैसे तो आई के साथ क्या लगता है, बट यहां पर स्ट्रक्चर किसका है, और इमेजिनेशन में क्या आता है हमेशा, तो इफ आई वर अ किंग आई वुड गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, अगर मैं राजा होता तो मैं तुमको बहुत सारा पैसा दे देता। लेकिन बात अभी हमारी स्टोरी चल रही है, अब इसी को हम स्टोरी से आगे बढ़ाते हैं कि जब वो पर्सन शर्त हार गया, क्या हार गया, शर्त हार गया, तो वो कहने लगा, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कहने लगा, वो कहने लगा इफ आई वर महेंद्र सिंह धोनी आई वुड हिट
इसकी मीनिंग क्या हो गई? उसने क्या बोला? क्योंकि अब तो शर्त हार चुका है, इमेजिनेशन के अलावा उसके पास कुछ बचा? उसने बोला, अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी होता तो मैं 6 छक्के। तो उन्होंने कहा, जाओ आज देख लिया जाए, तुम महेंद्र सिंह धोनी, हमारे भाई का तुम नाम ले रहे हो, इतने आप शगुन कर रहे हो, तुम धोनी शकल देखे हो अपनी कि तुम धोनी बनोगे तुम? उसने कहा, जाओ चलो ले आते, चलो तुम रहने दो, मैं जाता हूँ अपने घर, क्रिकेट का बैट और बॉल लेकर अभी आता हूँ, अभी हो जाए दंगल, हम तुम में से जो जीत जाएगा वही महान कहलाएगा, वही धोनी हो जाएगा। कहें ठीक है जाओ ले आओ, धोनी ने छक्का नहीं मार पाया। उसने कहा, अगर मैं धोनी की जगह होता तो? उसने कहा, ठीक है मैं तुमको एक ओवर फेंकूंगा, तुम जरा 6 छक्के मार के दिखाना। उन्होंने कहा, जाओ ले आओ बैट। अब वो बेचारा बैट ले आया, बैट ले आया, सामने वाले पर्सन ने दूसरे पर्सन को 6 बॉलें फेंकी, जिसमें से 3 बॉलों पे तो वो आउट हो गया। फिर उसके बाद बाकी के 3 में से एक थोड़ा सा ऐसे बैट पे ले लिया, 2 और बगल बगल से निकल गई। फिर वो क्या करने लगा, उसने कहा, बैट दिखाना जरा यार ये, मतलब वही जो पर्सन लिया था उसने बैट लिया, बैट को ऐसे करके ऐसे करने लगा, ऐसे ऐसे करने लगा, ऐसे ऐसे करने लगा। फिर कहने लगा, ये बैट कहाँ से लाए हो? तो उसने कहा, मैं अपने घर से लाया हूँ। कितने का लाए थे बैट ये? तो उसने कहा, 500 का। कहने लगा, तभी तो 500 का बैट है, तभी तो मैं 6 छक्के नहीं मार पाया। उसने कहा, अगर मेरे पास मेरा खुद वाला बैट होता है, मेरा वाला बैट होता तो मैं 6 छक्के। अब वो शर्त हार चुका है, पहली वाली कंडीशन भी हार गया, बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है। तो उसने सेंटेंस क्या बोला, इफ आई हैव, किसी के पास कुछ होने की जब बात होती है तो क्या लगाते हैं, हैव या हैड लगाते हैं, सेम सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड माई ओन बैट का मतलब, अगर मेरे पास वो मेरा खुद का बैट होता तो मैं 6 छक्के मार देता। उसने कहा, अच्छा जाओ अपना बैट ले आओ। अब वो बेचारा अपना बैट लेके आया, अब वो अपना बैट लेकर आया, अब फिर सामने वाले बॉलर ने बॉल कराई, उसने कहा चलो हिट करो। फिर 3 बॉलों में स्टंप उड़ गया, 2 बॉलें नहीं खेल पाए, 1 बॉल ऐसे बैट पे ले ली। अब उसने बुलाया, कहीं बॉल लेकर आओ इधर। उसने बॉल दिखाया, कहीं इधर बॉल दिखाओ, ये बॉल कहाँ से लाए हो? कैन मार्केट से लाया हूँ। कितने की है? 50 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की बॉल है, तभी तो मैं 6 छक्के नहीं मार पाया। कहीं जाओ तुम 500 वाली बॉल ले आओ, लेकिन आज तो दंगल। अब वो बॉल लेकर आए, फिर उसने बोला, अगर मैं बॉल मेरी बॉल होती या अगर मेरी खुद की बॉल होती तो मैं 6 छक्के मार देता। इसका मतलब यहाँ पर 2 टाइप के सेंटेंसेस हुए, एक में स्वयं की कल्पना और दूसरे में अपने पास कुछ होने की कल्पना। जैसे 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। मैंने बोला खर्चा नहीं हो गया, इफ आई हैड अ बर्ड, मैंने क्या बोला, इसकी मीनिंग क्या हो गई? और अगर मैंने ये बोला इफ आई वर अ बर्ड, दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत? दोनों की मीनिंग, लेकिन यहां पर दोनों में से कुछ भी हो उधर क्या होता है? उधर तो वुड ही रहेगा, उधर तो चेंज हो नहीं जाएगा, तो उधर हम लोग क्या लिखेंगे? मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग दोनों में से ऑप्शन कौन सा आएगा? हेड, सॉरी हेड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो बता क्या रहा है, मैं आसमान में उड़ता, मैं आसमान में कब उड़ता? अगर मेरे पास चिड़िया, इफ आई हैड अ बर्ड, अगर मेरे पास चिड़िया होती तो मैं आसमान में उड़ता। ये बोलने में कैसी बात हो गई, अगर मेरे पास चिड़िया होती तो मैं आसमान में उड़ता, नहीं, अगर मैं चिड़िया होता, वो सेल्फ की इमेजिनेशन कर रहा, अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, भी चलते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 4 types
क्या लिखा हुआ है सेंटेंस सही कि गलत है? अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, क्या देखा जाए, तो पहला स्ट्रक्चर ये, दूसरा में वुड, आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन सेंस देखा जाए, अगर मेरे पास घोड़ा होता तो मैं तेज दौड़ता। यहाँ पर इमेजिनेशन किसकी हो रही है? इफ आई वर अ हॉर्स आई वुड रन वेरी फास्ट। अब इन्हीं दोनों पॉइंट पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में टाइप थर्ड को बताएंगे। कुछ प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। Unless she will not take care of her health, she will not recover. Error क्या हो? ये एग्जाम में आपके आ चुका है, आपके एग्जाम में ये सेंटेंस आ चुका है। If it will rain today, if it will rain today, come for class. There are two sentences. तो unless means क्या होता है? Conditional clause की result वाला clause. अगर ये condition वाला clause है तो इसमें क्या नहीं हो सकता? विल नहीं होगा। लेकिन अन के वजह से यहाँ पर एक चीज और नहीं होगी, क्या नहीं होगी? नॉट नहीं होगा। क्यों नॉट नहीं होगा? क्योंकि अन ऑलरेडी कैसा होता है? इट मींस पूरा का पूरा ये यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, अनलेस शी टेक या टेक्स। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो हमें यहाँ पर एस को, टेक केयर ऑफ हर हेल्थ शी विल नॉट रिकवर। इफ इट विल रेन टूडे, कंडीशनल क्लॉज कौन सा है? If, जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो किस में नहीं हो सकता? फ्यूचर में नहीं होता। क्यों? क्योंकि शर्त जो होती है वो प्रेजेंट में लगाई जाती है। इट की वजह से जब विल हटेगा तो यहां पर, अब यहां पर मे या विल, इफ इट विल रेन टुडे, अगर आज बारिश होती है तो बच्चे क्लास के लिए नहीं आएंगे। आप प्रायोरिटी किसको दोगे? आप प्रायोरिटी किसको दोगे? सॉरी, आप प्रायोरिटी मे को दोगे, विल को प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचर हूं, मैंने अपने दूसरे वाले सर से बोला, सर अगर आज बारिश होगी या अगर आज बारिश होती है तो सर बच्चे आएंगे नहीं आज। मैं सर को बता क्या रहा हूं? पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? यहां पर हम विल को प्रायोरिटी, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? मे हो जाएगा। एक सेंटेंस और लिखिए, एक लास्ट सेंटेंस है। सपोज इफ यू कम टू मी, सपोज ये सेंटेंस भी आपके एग्जाम में आ चुका है। सपोज इफ यू कम टू मी, I shall required information। इसमें आपको एरर बतानी है, एरर है और नॉट। सपोज इफ यू कम टू मी, कंडीशनल क्लॉज कौन सा है? इसका मतलब ये किस में नहीं हो सकता? क्या ये फ्यूचर में है? नहीं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मीनिंग ये वाला क्लॉज
बाद वाला क्लॉज किस में होना चाहिए? क्या फ्यूचर में है? इसका मतलब ये सेंटेंस में क्या होना चाहिए? नो एरर। लेकिन ये सेंटेंस अभी भी रॉन्ग है। यहाँ पर एक कंडीशन और है, जरा नोट कर लीजिएगा कि ये भी कंडीशन को शो करता है और ये भी। आप एक साथ दो कंडीशनल वर्ड का यूज, अगर आप सपोज को यूज कर रहे हैं तो इफ को यूज नहीं करेंगे, और अगर इफ को यूज कर रहे हैं तो सपोज को यूज नहीं। तो वी नेवर यूज टू कंडीशनल क्लॉजेस टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज और इफ, वी नेवर यूज टू कंडीशनल वर्ड सपोज एंड इफ टुगेदर। हम कभी भी सपोज और इफ को साथ में यूज नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर एक चीज दी हुई है, कोई बता सकता है व्हाट इज द वर्ड रिक्वायर्ड? यहाँ पर रिक्वायर्ड वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपको बताना है? यस, वेरी गुड। ये क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल किसके लिए आता है? ये क्या हो गया? ये जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी? ये वर्ड यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे इसका टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।